नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 18 फरवरी 2020, और यहां पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स एनालिसिस जो मैंने आपको डाला है, उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो यहां पे एक एक सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसके एनालिसिस करेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, और आगे हमारा उसमें क्या लेवल बन सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर ले जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। अब देखिए, ये हमारा है एक्सिस बैंक का सबसे पहला चार्ट है। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ना, अगर आप ध्यान से इसके चार्ट को अगर आपने फॉलो किया है, तो मैं इसके चार्ट को काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेड करता हुआ देख रहा हूँ, काफी दिनों से, है ना। मतलब वो लगभग 6 मंथ हो चुके हैं मेरे ख्याल से, देखिए जुलाई, हाँ जुलाई 2019 से, बिल्कुल वो उस रेंज में। रेंज है ऊपर का 760 और नीचे का रेंज है 760 पॉइंट का रेंज है। दोस्तों, ये 60 पॉइंट के रेंज में ना आप इंट्राडे में तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल ट्रेड बनाने का मौका आपको नहीं मिलेगा। देखिए, इसका सीधा है कि लोअर लेवल को टेस्ट करता है तो अपर को, फिर अपर को जाता है तो फिर लोअर की तरफ आता है। तो फिर अगर आपको यहाँ लोअर के आसपास में मिलता है और यहाँ से बाउंस बैक होता हुआ मिले, तो वापस से 760 के टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। सिंपल, 760 से 65 के ऊपर जब क्लोज कर देगा ना, तो एक पोजिशनल टारगेट आपको 800 तक का देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो उनको ब्रेक कल ही कर दिया, उसके नीचे क्लोज किया और आज काफी नीचे चला गया है। लो लगाया लगभग 78 का लो लगा, पोजीशन हमारा फिर से नहीं बनेगा जब तक ये 86 के ऊपर क्लोज ना करे। 86 के ऊपर क्लोज करेगा तब जाके फिर अपर लेवल का टारगेट 93 आएगा। अभी अवॉइड करके ही चलिए दोस्तों, ज्यादा बेस्ट है ये। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन में, इसने भी अपना ट्रेन लाइन को ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोज किया। एक जो टारगेट था उस टारगेट ट्रेन लाइन का टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है, जो टारगेट था 60 के आसपास का वो टारगेट डन हो गया है। अब हम लोग सिर्फ अवॉइड ही कर सकते हैं फिलहाल। इस स्टॉक में पोजीशन हम कब बनाएंगे, जब ये 62 या 3 के ऊपर क्लोज करेगा तो वापस 66 के टारगेट के लिए पोजीशन बनेगा। केनरा बैंक भी सेम कंडीशन, देखिए यहाँ जहाँ से सपोर्ट लिया था प्रीवियस, वहीं पर वापस आके बाउंस है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग होनी चाहिए कम से कम 178 की, तो हमारा ऊपर टारगेट 183 तक का भी मिल सकता है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। देखिए इस चीज को, यहाँ फेडरल बैंक काफी जबरदस्त तरीके से गिरा है और कंटिन्यू पिटाई ही हो रही है, सारे स्टॉक्स की पिटाई, दो दिनों से तो निफ्टी में भी पिटाई ही चल रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो ट्रेन लाइन का सपोर्ट था, उस ट्रेन लाइन को सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया और टारगेट नीचे की तरफ 80 का अभी भी ओपन है, ये आपको 80 के टारगेट दे सकता है सेल साइड में। एचडीएफसी बैंक दोस्तों काफी क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। देखिए इसका जो 200 डीएमए का जो सपोर्ट है वो 1203 के आसपास आ रहा है, राउंड फिगर में करें तो 1200 को जिस दिन ब्रेक करेगा ना, बहुत तेज डाउनफॉल करेगा जो आपको डायरेक्ट 1180 तक के टारगेट देगा। अप साइड में जाने के लिए कम से कम उसको 1220 से 22 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ये 1240 तक के भी एक टारगेट दिखा सकता है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ये थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट में, लेकिन ये भी स्टॉक धीरे से एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर की साइड का जो मैंने पोजीशन बनाने के लिए बोला है वो आपको 550 के ऊपर बोला है, अगर आपने कंटिन्यू फॉलो किया है मेरे चैनल को तो मैं कंटिन्यू बोला है कि आपको इसको 550 के ऊपर बनाएंगे पोजीशन। अभी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, नीचे सेल का पोजीशन 530 के नीचे बनेगा 520 के टारगेट के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेड बिल्कुल भी ना करें, मेरे नजर में ये इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं है। इंडियन बैंक कंटिन्यू डाउनफॉल में चला आ रहा है, अब तो इसका डेली के चार्ट से भी काम नहीं होगा, वीकली का चार्ट देखना पड़ेगा। देखिए वीकली के चार्ट पे देखिए कितना पुराना सपोर्ट है, यहाँ पे 26 फरवरी 2016 का जो प्राइस था उसी के पास आ गया। अब बताइए इस स्टॉक्स में क्या रखा है, अब मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मैं तो इसको अवॉइड करूंगा और भी पीछे कर लीजिए इसको, देखिए कहाँ चलाया ये लेके, है ना। 2016 मतलब 3-4 साल पुराना सपोर्ट पे आके वो खड़ा है, यानी यहाँ से एक तेज बाउंस भी मिल सकता है या तेज डाउनफॉल भी मिल सकता है। अगर नीचे कटता है तो 63 तक भी जा सकता है ये इंडियन बैंक। इंडसइंड बैंक, मुझे क्यों पता नहीं, मैं इसके बारे में जो मैं अभी एक लाइन बोलूंगा आपसे जरा ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये पता नहीं क्यों, है ना, ये मेरा अपना व्यू है दोस्तों, कोई भी मतलब किसी को मैं डरा उड़ा नहीं रहा हूँ। इसके चार्ट देख देख के ना मुझे बहुत डाउट हो रहा है। डाउट क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत अंदरूनी कुछ बातें चल रही है। मेरे ख्याल से इसका चार्ट जैसा दिखा रहा है कि अंदरूनी इसके अंदर कुछ बात चल रही है जो हम लोगों को पता नहीं है, रिटेल ट्रेडर को, बड़े लोगों को पता है। क्योंकि जब गिरावट हुआ था ना, तो एक्सिस बैंक भी गिरा था उसने कवर कर लिया, एचडीएफसी बैंक भी गिरा था कवर कर लिया, लगभग बैंकिंग स्टॉक्स ने कवर किया था। लेकिन ये स्टॉक्स अभी जो रिसेंटली गिर रहा है तो वो गिर ही रहा है, लेकिन वो कवर नहीं कर पा रहा है, जिसको कहते हैं कवर करना, कवर नहीं कर पा रहा है। इसके चार्ट से मुझे बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है इसके साथ।
थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, इंट्राडे में काम करिए, निकल जाइए लेके, इसको डिलीवरी लेके जाने का अभी फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो 1110 के नीचे अगर कटता है अगर ये स्टॉक्स, तो फिर ये लेवल आपको 1040 तक के भी दिखा सकता है आने वाले समय में। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है। कोटक बैंक काफी अच्छा, इसने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हुआ, यानी अप साइड अब अगर 1720 को ब्रेक करेगा टारगेट देगा 1740 तक का अपर साइड में। नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है 1670 को, तो फिर ये नीचे 1630 तक के भी टारगेट दिखा सकता है कोटक बैंक। ओरियन बैंक नो ट्रेडिंग जोन में, दूर रहेंगे हम लोग ओरियन बैंक। पीएनबी में सेम कंडीशन है, पीएनबी के लिए अब ऊपर हमारे 56 का इंपॉर्टेंट हो गया, 56 का जब तक क्लोज ना करते ऊपर में हमारा लेवल नहीं खुलेगा। 56 के ऊपर क्लोज करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 59 तक जा सकता है पीएनबी। आरबीएल बैंक मेरा व्यू इस पर न्यूट्रल है, कोई सजेशन नहीं है, इसमें दूर रहेंगे मैं। एसबीआई देखिए 200 डीएमए के पास खड़ा है, अगर नीचे के साइड में काट देता है 310 को, 300 तक के आने में इसको कोई नहीं रोकेगा। 300 के नीचे निकलेगा 300 तक का एक टारगेट दिखेगा, 310 को जैसे ब्रेक करेगा 300 तक का एक टारगेट ऊपर में नीचे साइड में रखा हुआ है, तो नजर बना के रखिए इस पर। और ऊपर साइड में इस लाइन को, अब इसका लाइन ऐसे मुझे खींचना पड़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए 330 से 32 तक की क्लोजिंग। यस बैंक कोई फायदा नहीं है देख के भी, ऐसे दूर रहना है। यूनियन बैंक इसको देखेंगे, 42 जो लेवल था वो लगभग इसने अचीव कर लिया। अब वापस देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो 40 सपोर्ट जो बन रहा था 48 का, अब वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी हम लोगों को अगर कोई पोजीशन भी बनाना होगा तो 49 के ऊपर बनाएंगे 52 और 55 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक से मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।